हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। रिएक्शन की बात करें तो यहां पे हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही लेने हैं, लेकिन ऐसे लेने हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यानी हम जो भी दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे होने चाहिए। अगर किसी एक के अंदर भी हमें अल्फा हाइड्रोजन मिल जाता है तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो बात करते हैं हम मैकेनिज्म के थ्रू, एक एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट मैं दो मोल ले रहा हूं C6H5 C डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन के लिए बेस के तौर पे NaOH या KOH 50% जिसका हम यूज कर सकते हैं। यहां पर एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस, यानी दो प्रोडक्ट निकलेंगे। फिलहाल हम सीधे प्रोडक्ट लिख रहे हैं और वो कैसे मिलते हैं मैं मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझा रहा हूं। तो C6H5 CH2 OH, और सेकंड हमें मिल जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड C डबल ONA, या फिर मिल सकता है C6H5 C डबल OK। कैसे मिलता है हम मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं अभी। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की बात करें तो तीन स्टेप के अंदर रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर है एडिशन ऑफ OH माइनस, वन मॉलिक्यूल ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड OH यानी बेंजाल्डिहाइड के अंदर एडिशन करने वाले हैं हम OH माइनस का। C6H5 C डबल बॉन्ड OH OH माइनस, रिएक्शन इज फास्ट, सीधा ऐड हो जाएगा यहां पे कार्बन के साथ, ये यहां पे शिफ्ट कर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा C6H5 कार्बन OH, यहां पे है H और यहां पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज, और ये हमें मिल जाएगा NaN। उसके बाद है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड। अब वो कैसे होता है तो वो उसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो हम ले सकते हैं यहां पे C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस एनायन हमारा C6H5 कार्बन OH हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज। अब ये कैसे शिफ्ट करता है तो ये हमें देखना है। यहां पे हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं यहां पे कि हाइड्राइड कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा हाइड्राइड। तो हाइड्राइड कैसे ट्रांसफर होता है यहां पर, फर्स्ट ये यहां पे उतरेगा डबल बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन ले लेगा और वो बन जाएगा H माइनस। सेम टाइम पे यहां पे क्या होगा तो यहां पे ये डबल बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, और अब ये सीधा यहां पे कार्बन के साथ। यानी हमें यहां पे क्या मिल जाएगा तो इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट C6H5 कार्बन, उसके साथ आ गया है हाइड्रोजन, यहां पे हम देख सकते हैं सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज और साथ में है हाइड्रोजन, तो ये हमें मिल चुका है इसके लिए। सेकंड की बात करें हम यहां पे तो क्या बचा है C6H5 कार्बन, यहां पे है OH एज इट इज, ये हाइड्रोजन निकल चुका है और डबल बॉन्ड के साथ है ऑक्सीजन, तो ये दोनों चीजें हमें मिल चुकी है यहां पे। अब बात करते हैं इन दोनों की। तो एक जो है वो है हमारा अल्कोक्साइड आयन और ये है बेंजोइक एसिड जो हम देख रहे हैं। अब इन दोनों की बात करें तो एक जो है वो हमारा एक्सेप्टर है और एक हमारा डोनर है फॉर H प्लस की बात करें अगर। तो यहां पे अगर इसकी बात करें तो माइनस चार्ज के हिसाब से हम देख ही रहे हैं कि ये हमारा क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है एक्सेप्टर।
और ये क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है डॉनर। अब इसके थ्रू अगर हम बात करें तो यहां पे दो रिएक्शंस, एक के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं H प्लस, यानी ये एक्सेप्ट कर लेगा, और एक के अंदर से मैं खींच रहा हूं H प्लस, क्योंकि वो डोनर है। डोनर जो है वो H प्लस दे देगा, कहां से देगा, तो यहां से, तो वहां से हमें वो दे देगा। और सेम टाइम अगर मैं इसकी बात करूं तो ये H प्लस ये खींच लेगा, यानी अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो हमें C6H5 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और साथ में यहां पे मिल जाएगा OH। और सेकंड अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मुझे यहां पे मिल जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यानी इसकी बात कर रहा हूं विथ माइनस चार्ज। तो यहां पे मुझे दो प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहे हैं। यहां पे हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो रिएक्शन क्या होगा, तो रिडक्शन, और दूसरा रिएक्शन क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन, यानी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है, जो हम इसके थ्रू जान सकते हैं। अब यहां पे अगर हमने NaOH ले लिया है तो यहां पे मिल जाएगा COONa, और अगर हमने K ले लिया है तो मिल जाएगा COOK, यानी ये जो हमें दो प्रोडक्ट हमें दिख रहे हैं उसमें से फर्स्ट तो ये है हमारा C6H5 CH2OH एंड सेकंड C6H5 COO और उसके बाद Na या K, जिस हिसाब से हमें दिया है उस तरीके से हमें मिल सकता है। तो यहां पे याद रखना है कि टोटल तीन स्टेप के अंदर ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है। ये जो हमने बात की है वो है हमारा थर्ड स्टेप, ये जो हमने ऐड किया है जो यहां पे सीधा दिखाया है वो हमारा थर्ड स्टेप है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स, यानी किसका एक्सचेंज हो रहा है, तो प्रोटॉन का एक्सचेंज चल रहा है यहां पे, एक एक्सेप्ट कर रहा है और एक डोनेट कर रहा है। तो फिलहाल बात की है फर्स्ट के कैनिजारो रिएक्शन में मैकेनिज्म कैसे चलता है और प्रोडक्ट जो है हमें कैसे मिलता है। बात कर रहे हैं उसके टाइप की, तो यहां पे भी सेम तरीके से दो टाइप मिलते हैं, सेल्फ और क्रॉस। सीधे एग्जांपल के तौर पे हम बात करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो फर्स्ट है वो है सेल्फ। अगर हमें सेल्फ कैनिजारो पूछ लेते हैं, जो हम आगे ऑलरेडी मैकेनिज्म देख चुके हैं वही एग्जांपल सेल्फ कैनिजारो का है, यानी हम सीधा ही अगर दिखाना चाहे तो हम सीधा ही प्रोडक्ट यहां पे बना सकते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि अगर हमें ये दे दिया है, दैट इज बेंजाल्डिहाइड, उसके दो मॉलिक्यूल, और यहां पे हमें दे दिया है KOH with 50%, तो हम सीधा ही बोल सकते हैं एक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाए तो यहां पे मिल सकता है हमें COOK, यानी हम जानते हैं यहां पे कि अगर ऑक्सीडेशन किया जाए एल्डिहाइड का तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां पे KOH ले लिया है तो पोटेशियम का सॉल्ट हमें मिल जाएगा, दैट इज COOK। और सेकंड, अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाए यानी रिडक्शन कर लें तो वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, तो हमें मिल जाएगा सीधा प्रोडक्ट, दैट इज CH2OH। तो हमें सीधा ये प्रोडक्ट मिल जाता है जो हम आगे ऑलरेडी देख चुके हैं, और इसी को हम बोलते हैं दैट इज सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। अब बात कर रहे हैं सेकंड नंबर, वो है क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। अगर क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन की बात करें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, और उसके अंदर कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा वो डिसाइड करने के लिए तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। ज्यादातर चीजें
हम ऑलरेडी 11th में जीओसी के थ्रू पढ़ चुके हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। तो यहां पे आपको याद रखना है कि हम यहां पे बात करेंगे रिएक्टिविटी के थ्रू, यानी हम यहां पे बोल रहे हैं कि अगर माइनस एम या माइनस आई वाला ग्रुप अटैच मिल जाता है विथ एरोमेटिक एल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड के साथ कहीं पे मिल जाता है हमें, तो हम बोल सकते हैं कि वो होगा मोर रिएक्टिव। और अगर यहां पे हमें मिल जाता है प्लस एम या प्लस आई वाला कोई फंक्शनल ग्रुप, तो वो होता है लेस रिएक्टिव। अगर मोर रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, और सेकंड लेस रिएक्टिव दैट इज रिडक्शन, यानी कौन ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देगा और कौन रिड्यूस प्रोडक्ट देगा वो डिसाइड करेगा कि उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो किस टाइप का है। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सीधे एग्जाम्पल में आप सीधे बता सकते हो, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, फर्स्ट C6H5CHO और साथ में मैं ले रहा हूं HCHO। तो यहां पे अगर हमसे पूछ लेते हैं वो विथ KOH 50%, दोनों अलग अलग हैं, अब इसमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो यहां से ही हम बात कर सकते हैं कि HCHO की बात करें तो इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है ये। अब इसी के थ्रू बात करें तो C6H5 आ चुका है, यानी यहां पे रिएक्टिविटी की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी इसकी कंपैरिजन में कम हो चुकी है, तो इसके थ्रू जो प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा रिड्यूस प्रोडक्ट, जबकि इसके थ्रू जो निकलेगा वो होगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। यानी हमें यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो रिड्यूस यानी CHO कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, तो प्रोडक्ट मिलेगा C6H5CH2OH, और जबकि इसके थ्रू क्या निकलेगा तो HCOO- हम मैकेनिज्म में ऑलरेडी देख चुके हैं, और अगर K है तो मिल जाएगा HCOOK, यानी यही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और एग्जाम्पल के थ्रू भी हम जान सकते हैं कि अगर हमें ऐसे दे दिया है, एक दिया है CHO और सेकंड आपको कहीं पे ऐसा दे दिया है CHO विथ CH3, और इन दोनों के लिए अगर पूछ लेते हैं तो दोनों बेंजाल्डिहाइड है, फर्क यहां का है CH3 कैसा है तो हम जानते ही हैं, दिस इज अ प्लस आई ग्रुप। अगर प्लस आई ग्रुप है तो हम बात कर सकते हैं कि वो कैसा होगा, दैट इज लेस रिएक्टिव। अगर लेस रिएक्टिव है तो उसका रिडक्शन होगा, यानी इसका क्या होने वाला है तो ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, तो COO साथ में पोटेशियम दिया है तो K, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा वो होगा COOK प्लस दूसरे का रिडक्शन यानी अल्कोहल बनेगा CH2OH नीचे CH3 as it is। सेम तरीके से अगर कोई एग्जाम्पल हमें ऐसे भी पूछ ले के जिसके अंदर CHO यहां पे CH3 एंड प्लस CHO और यहां पे NO2, तो ये वाले केस में भी आप देख सकते हो CH3 कैसा है दैट इज प्लस आई और NO2 कैसा है यहां पे तो माइनस एम, माइनस आई भी होता है माइनस एम ज्यादा है उसका। अब यहां से ही देख सकते हैं प्लस वाला एक माइनस वाला, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या निकलेंगे, तो फर्स्ट वाले के लिए रिड्यूस यानी वहां पे मिलेगा हमें CH2OH CH3 एज इट इज एंड सेकंड जिसके अंदर COOK का यूज किया है तो मिल जाएगा COOK और नीचे NO2 एज इट इज, यानी इसी तरीके से दो प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएंगे।
तो क्रॉस्ड कैनिजारो के अंदर आपको पर्टिकुलर चीजें याद रखनी है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन की भी मैंने बात की है, जैसे कि सीएससी है तो सीएससी के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, दैट इज प्लस एच, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन भी साथ में है। और साथ में हमने बात की है मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो ये वाले केस में पर्टिकुलर चीजें आपको याद रखनी है, बदल के एग्जाम्पल दे सकते हैं तो वहां पे आपको पता चलना चाहिए। इतनी चीजें अगर हमें याद है तो आप इजीली एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए हमने देखा है कैनिजारो रिएक्शन, जिसके अंदर दो टाइप, फर्स्ट दैट इज सेल्फ एंड सेकेंड दैट इज क्रॉस्ड। तो बात करते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर इसी तरीके की एक और रिएक्शन देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।